नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, तारक मेहता शो के रीसेंट एपिसोड में आपने देखा कि डेकोरेटर दानव के साथ गोकुलधाम वालों का झगड़ा हो गया है। डेकोरेटर दानव जब गोकुलधाम वासियों को धमकाने लगता है तो रोशन सिंह सोढ़ी जो है वो डेकोरेटर दानव को धक्का मार देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और बापूजी आकर सबको रुकवाते हैं, झगड़ा को रोकते हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ जो है वो गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल चली गई है इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास, और इंस्पेक्टर चालू पांडे को गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल ने ये फरियाद किया है कि डेकोरेटर दानव जो है वो अपनी पत्नी यानी कि गुलाब को काफ़ी मारता पीटता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले एपिसोड में महिला मंडल का ये जो कंप्लेन है ये उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब इंस्पेक्टर चालू पांडे गुलाब से पूछताछ करेंगे कि क्या आपके पति यानी कि डेकोरेटर दानव आपको मारते पीटते हैं, तो वो साफ मना कर देगी। इससे होगा ये कि जो महिला मंडल की बात है वो झूठ साबित हो जाएगी और डेकोरेटर दानव का असली चेहरा सबके सामने, खास करके चालू पांडे के सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला मंडल का जो डेकोरेटर दानव को सबके सामने एक्सपोज करने का जो प्लान है, क्या वो कामयाब होगा या नहीं? इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का।